कहते हैं सर आई टायर्ड ऑफ स्टडी, मैं कि 12th में ही बोलता है थक तो मैं 10वीं में ही गया था लेकिन 12th तक तो मैंने खींच लिया था। सो एनीवे दोस्तों, आई एम मनमोहन, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। 20 साल भारतीय वायुसेना में मैंने अपना क्रीम समय दिया और मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि शायद मैंने दिया कम और लिया ज्यादा, क्योंकि दिया तो मैंने 20 साल, लेकिन मेरे अंदर जो उस वातावरण में जो डिसिप्लिन आया, जो वैल्यूज आए, जो गोल्स को अचीव करने की जो एक कैपेबिलिटीज डेवलप हुई, वो ऐसा है कि उस गुरुदक्षिणा को तो शायद मैं भारतीय वायुसेना आपको दे भी नहीं सकता था। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक एयरफोर्स स्टेशन फरीदाबाद में उनके सारे ऑफिसर्स और फैमिलीज के लिए एक सेशन किया, तो मुझे लगा कि शायद आप हमेशा रीपे करना चाहते हैं जो आप सीखते हैं। तो 2006 में मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुआ। प्लीज बैठ, खाली कुर्सी मिले तो पकड़ लो कल मिले ना मिले। तो उनके साथ मैंने ये किया। 2006 के बाद मैंने एक मैक्स इंडिया ग्रुप ज्वाइन किया एज ए ट्रेनर। तो सबको ये था कि एक फौजी आदमी है, इससे गोली चलाने की बात करो, ये ट्रेनर कैसे बनेगा। तो उस कंपनी में 750 ट्रेनर्स होते थे और 750 ट्रेनर्स में से मुझे बहुत जल्दी उसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो अचीव करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृपया करके अब बिल्कुल आगे बढ़ने का किया और MNH न्यूरो ट्रेनिंग अकेडमी अपनी खोली और फिर मैंने इस विधा को, इस कैपेबिलिटीज को सबके साथ शेयर करना शुरू किया। वन ऑफ माई गोल्डन स्टेटमेंट इज, इफ ए प्रॉब्लम इज नॉट टेक्निकल देन इट गॉट टू बी साइकोलॉजिकल। या तो कोई चीज आपको करनी नहीं आती या फिर करने का दिल नहीं है, या तो पढ़ना नहीं आता या फिर पढ़ने की इच्छा ही नहीं, राइट? तो इससे कैसे निजात पाए? जीवन में हमारे पेरेंट्स हमको देना भी चाहे तो हमें कई बार तो लेना नहीं आता और कई बार वो मौके हम निकाल जाते हैं। दुर्योधन की मदर ने अपने सारे जीवन के सारे पुण्य को लगा दिया अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? जो उसकी किस्मत में लिखा था और वो अडामेंट था मरने के लिए, तो उसको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? अल्टीमेटली लाइफ हमको मौका देती है और उन मौकों के हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वो फिर हमारे ऊपर है, राइट और रॉन्ग। तो माइंड कैसे काम करता है, कैसे जल्दी याद करते हैं, जब स्ट्रेस हो तो क्या करें, कैसे अनट्रेडिशनल अनकन्वेंशनल सोचे, कौन सी विचारधारा हमको दुनिया में पीक पे ले जा सकती है और कौन सी हमारा बंटाधार कर सकती है। कई बार जब कुछ नहीं होता, कहने को कोई भी पूछता है तो क्या कर रहे हो आप, मैं IAS बन रहा हूं, राइट? ये भी एक स्टाइल बन जाता है, राइट? बट मैं आपको कुछ ऐसे जीवन के ऐसे स्टोरी सुनाऊंगा जो जिन्होंने किया है। मैं कानपुर एयरफोर्स में था सर, एक लड़का था, ऐसे यंग सा लड़का होगा, मेरी भी 11वीं 12वीं के लिए होगी, उनको वो कहता कि भैया मुझे ना IAS बनना है। तो जब कोई हमसे बोलता है ना IAS बनना है, तो आप ऊपर से नीचे देखते हैं और कहते हैं अच्छा IAS बनना है, अच्छा सोच है। तो जब मैंने, उन्होंने बोला कि भैया एक दिन मेरे घर आओ, तो मैंने घर उनके गया। तो जैसे हमारा ट्रेडिशंस है, जिसका जो भी सामर्थ्य होता है सब खातिर पानी करते हैं, उन्होंने भी किया, लेकिन मुझे 1% नहीं लगा कि घर में माहौल है पढ़ने का।
उन्होंने कहा कि भैया क्या करूं मैं, यहां तो पढ़ने का नहीं है, मैंने कहा भाग जाओ यहां से। कई बार आप कैजुअली बोल रहे होते हैं लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो सीरियसली ले लेते हैं, और ये हमेशा होता है कि कई बार लीडर इतना सीरियस नहीं होता लेकिन जो फॉलोवर जिस सेंटेंस से उसको लेता है वो निकल जाता है। वो वहां से निकल के फिर नोएडा आ गए, एक बीपीओ में जॉब करी उन्होंने। बीपीओ में उस टाइम पे कितना मिलता, वो 4-5 हजार रुपए रात भर वो काम करना और सुबह अपना। एंड एक दिन उनका मुझे फोन आया कि भैया आई हैव बिकम पीओ इन SBI। मेरा सीधा क्वेश्चन, आपको तो आईएएस बनना था। इस साइड की भैया मैं, आप जानते हो कि माई फाइनेंसिस एट होम आर नॉट गुड बट आई एम स्टिल फोकस्ड। फिर एक दिन उनका मुझे कार्ड मिला शादी का, और जिस पे लिखा था IPS सूरज सिंह। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अगर आपका डिटर्मिनेशन है और आपका फोकस है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और अभी पिछली बार जब मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल जा रहा था तो उनका वीडियो कॉल ऐसे ही आया अचानक, क्योंकि कई बार तो हम कॉल करते वो नहीं उठाए क्योंकि वो IPS है। तो भैया वहां कहां जा रहे हो आप, यहीं आइए। और अभी वो SP है। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी स्टोरी क्यों ना सबके साथ शेयर करें, इन बच्चों के साथ, जैसे मैं भी अपने आपके साथ यही आया हूं कि जो जिस तरह मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की उनको आपको बता सकूं, ताकि आपको 30 साल बर्बाद ना करना पड़े। बोलता कि भैया मैं बताता हूं लेकिन मुझे बिलीव नहीं करता। वो ऐसे लगता है कि कोई ये कह रहा था स्टोरी सुना रहा होगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू हैव ड्रीम्स, तो यू कैन अचीव एनीथिंग, राइट। सो इंसान की जो सबसे जो दो बड़ी पावर है वो क्या है, पावर ऑफ इमेजिनेशन। अगर मेरी हैंडराइटिंग खराब हो जाए तो मेरा स्टेटमेंट है खुद लिखे खुदा बांचे। मैं एक बार लिख दूं तो खुद ही मैं पढ़ता नहीं, मैं बहुत सोच समझ के लिखा आराम से। फर्स्ट पावर है इंसान की सबसे बड़ी इमेजिनेशन। कितने लोगों के यहाँ पे माइंड से सुबह ऐसे लगता है कि मैं डॉक्टर बन गया या मैं IAS बन गया या मैं जो बनना चाहता हूँ वो पिक्चर नजर आती है क्लियर। कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को दिखता है